जमुई पुलिस ने 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार साइबर अपराधी लोगों को लॉटरी जीतने का लालच देकर ठगी का शिकार बनाता था। गिरफ्तार साइबर अपराधियों के द्वारा लोगों को SMS और फोन कर लॉटरी जीतने की बात बताई जाती थी। उसके बाद जीती हुई लॉटरी की रकम प्राप्त करने के लिए लोगों को प्रोसेसिंग चार्ज के नाम पर फ्रॉड करते हुए खातों में रकम जमा करा लिया करता था। इस मामले में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि यूको बैंक के शाखा प्रबंधक के द्वारा सूचना मिली थी कि अमित कुमार दुबे के खातों में करोड़ों रुपए का लेन देन फ्रॉड तरीके से किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शौर्य सुमन के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी दल द्वारा गिद्दौर थाना क्षेत्र के रतनपुर गाँव से साइबर फ्रॉड अमित कुमार दुबे को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने अमित कुमार के पास से साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल किए जाने वाला एक स्मार्टफोन, अलग अलग बैंकों का ATM कार्ड बरामद किया। पुलिस ने साइबर फ्रॉड अमित कुमार दुबे के निशानदेही पर खैरा थाना क्षेत्र निवासी, उसके अन्य 4 साथी उपेंद्र कुमार, गुलदीप कुमार, राजेश कुमार, शिव प्रकाश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार 4 अन्य साइबर अपराधी के पास से पुलिस ने अलग अलग बैंक के ATM कार्ड समेत कई पासबुक बरामद की हैं। दिनांक 13/9/22 को यूको बैंक शाखा प्रबंधक के द्वारा जो है एक प्राथमिकी दर्ज करने हेतु आवेदन दिया गया था, जिसमें ऐसा उनके द्वारा बताया गया कि मुंबई में एक खाता को फ्रीज किया गया है साइबर फ्रॉड के आलोक में, और उसके क्रम में उसी खाता को डिफ्रीज कराने के लिए बैंक में कुछ साइबर फ्रॉड वहाँ पहुँचे थे। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार मेरे नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और उक्त छापेमारी में 5 लोगों की अरेस्टिंग की गई। ये सभी साइबर फ्रॉड में संलिप्त हैं और इनका काम है कि लोगों को फेक कॉल करते हैं और उनको प्रलोभन देके उनसे गलत तरीके से पैसे अपने अकाउंट में मंगवाते हैं। तो इस तरह का एक जो पूरा गिरोह यहाँ पर सक्रिय था गिद्दौर थाना क्षेत्र में, उसकी गिरफ्तारी हुई है 5 लोगों की। एक जो अन्य अभियुक्त है जो अभी फरार चल रहा है, उसकी भी जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। अभी हम लोग इनके सारे बिंदुओं पे खंगाल रहे हैं। अभी तक प्रथम दृष्टया यह बात प्रतीत हो रहा है कि इन लोगों के द्वारा करोड़ों रुपए का ट्रांजेक्शन जो है लोगों का जो है इस तरह से गलत तरीके से पैसा अपने अकाउंट में करने की बात बताया गया है। क्या बताता था सर, ये किस कर्मचारी है या किस विभाग का कुछ पैसा? ये जैसे आप देखेंगे कि हमेशा कॉल पे हम लोग को एक प्रैंक कॉल या फेक कॉल आता है कि भाई आपको इतने इनाम का लॉटरी मिला है, कुछ इनाम की राशि आपको मिला है, उसके एवज में आप इतने पैसे जमा कराइए, फिर हम आपको इनाम की राशि देंगे। और लोग प्रलोभन में आके जैसे आपसे कहा गया कि भाई हमें आपको 5 लाख की लॉटरी लगी है, आप 5,000 रुपये जमा कराइए बेसिक सिक्योरिटी मनी और फिर हम आपको देंगे 5 लाख, इस तरह से वो हज़ारों लोगों से इस तरह से ये लोग पैसा जमा कराते हैं और इनका पूरा गैंग है और लोगों से फिर पैसे की वही करते हैं। गिरफ्तारी हुए गिद्दौर थाना क्षेत्र से, इन लोगों के पास कुछ बरामद भी हुआ है? हाँ, इनके पास से मोबाइल, ATM और आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चीज़ें बरामद की गई हैं और सभी चीज़ों को हम लोग खंगाल रहे हैं। इनके अकाउंट्स में जो पैसे भी मिले उन सब बिंदुओं पर भी हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं। कुछ कैश सभी बिंदुओं पर तफ्तीश कर रहे हैं। इनका मुख्य सरगना कौन है? अभी तक के हिसाब से इनका जो मुख्य सरगना है अमित कुमार दुबे है। कहाँ का है? ये गिद्दौर, रतनपुर गिद्दौर के हैं। पांचों गिद्दौर के ही है? हाँ सर, इसी थाना से बाहर से लिंक है। गिद्दौर खैरा थाना क्षेत्र के सब रहने वाले हैं। पूर्व में भी खैरा में इस तरह के गैंग को हम लोगों ने डीएक्टिवेट किया था, उन पर कार्रवाई किया था। तो जैसे लक्ष्मीपुर है, खैरा है, गिद्दौर है, ये सब क्षेत्रों में एक तरह से साइबर अपराधी जो है अपनी पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस सक्रिय है और निरंतर इनके विरुद्ध कार्रवाई हम लोग कर भी रहे हैं। इस गिरोह में 5 ही व्यक्ति थे कि और भी कुछ लोग? एक व्यक्ति और है जिस के विरुद्ध में छापेमारी जा रही है, वो भी जल्दी पकड़े जाएंगे। अब तक 5 की गिरफ्तारी? अब तक 5 अभी 5 है, 5 गिरफ्तारी। जमुई टुडे की खबरों से तुरंत अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें प्ले स्टोर से जमुई टुडे ऐप। अगर आप वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अगर आप हमारे वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर